तैयारी है आपका? तैयारी सर रीवा शक्ति है और रीवा शक्ति का सपोर्ट मेरे साथ बहुत अच्छा है और इसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्र में कैसा जन समर्थन? क्षेत्र से बहुत अच्छा सहयोग है और सबका अच्छा समर्थन है। रीजन क्या होगा, मुद्दे क्या लेकर जा रहे हैं? मुद्दे शिक्षा है और जो भी अंशिदाय हैं उनको लेके ही मुद्दा पे आया जाएगा। जो अभी तक के जो भी काम नहीं हुए हैं उनको लेकर आया जाएगा। जेमे गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है तो आप क्यों बागी बन रहे हैं? क्योंकि यह लोकसभा चुनाव में ही तय हुआ था कि अगर लोकसभा कांग्रेस के खाते में जाती है तो जेएमएम को विधानसभा में लौटने का मौका दिया जाना चाहिए, ऐसा बात हुआ था। लेकिन गठबंधन हो जाने के कारण यहाँ सीट नहीं दी, जिसकी वजह से हम लोग किसने आश्वासन दिया था? यह जिला से भी और ऊपर से भी, ऊपर से केंद्र से निदर। अच्छा ये बताइए कि आप पार्टी में, आप भूमिका क्या थी आपकी और किस भूमिका के साथ आप पार्टी में कब से जुड़े रहे? जी पार्टी से हम लगभग 5-7 साल वर्ष से जुड़े रहे और पार्टी में हम एक सक्रिय कार्यकर्ता थे और एक उम्मीद के साथ हम पार्टी में थे, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण हम थे। जेएमएम में आपके साथ कौन कौन है जो आपके इस बागीपन के साथ है? मेरे साथ हैं कुछ कार्यकर्ता हैं, जैसे जिला सचिव रंतुराव हैं और हमारे सहयोगी नवयुवक लोग हैं। किन उम्मीदों को लेकर के आप फिर चुनाव मैदान में कूदे हैं? हम इन उम्मीदों पे आ रहे हैं कि जैसे पहले हम लोग बहुत देख लिए, राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी दोनों रही सत्ता में, लोहरदगा में भी रही, लेकिन जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया। जैसे सड़क, बिजली, शिक्षा, एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए लोहरदगा में, वो नहीं हो सका। इस यही सब मुद्दों को लेकर हम आ रहे हैं। हेमंत सोरेन की सक्रियता पर क्या कहेंगे, क्या वो खुद को बेच रहे हैं या पार्टी को बेच रहे हैं? जी इसमें नहीं, आप बागी हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन के कार्यशैली की वजह से है। जेएमएम आपके प्रति बागी हो गया? जी वो तो टिकट नहीं मिलने की वजह से हम जा रहे हैं। एक जनता का मांग है, नवयुवक लोग का मांग है कि हमारा नेता बदलना चाहिए, कोई नवयुवक आना चाहिए आगे, और नवयुवक लोग का मांग है, इसी की वजह से हम अभी चुनाव में उतर रहे हैं। क्या नाम? मेरा नाम आशीष राहुल। दिखाई तो उसको नॉमिनेशन पत्र बस ऐसे करके दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे करके दिखाई ना सीधा, सामने सामने पकड़ के दिखाई ना ऐसे पकड़ के।